नमस्कार, आइए हाथरस पे बात करते हैं। जो बोलगढ़ी गांव है वो मेरे घर से तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर दूर है। वहां का एक जो प्रोपेगंडा फैलाया गया, कैसे फैलाया जाता है मैं आपको बताता हूं। लड़की की माँ का बयान आता है, कंप्लेन जाती है कि मेरी लड़की का गला घोटा गया है। पत्रकार उससे पूछते हैं बार बार कि क्या और क्या हुआ है, कि नहीं जी रंजिशन गला घोटा गया है। फिर लड़की से पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। लड़की का बयान आता है कि जी मेरा गला घोट दिया गया है, जी मेरा गला घोट दिया गया है। पेपर में खबर निकलती है कि आपसी रंजिश में लड़की का गला घोटा गया। फिर वहां पे लड़की की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होती है, उसको अलीगढ़ ले जाया जाता है। अलीगढ़ में फिर से बयान होते हैं, मीडिया का फिर से बयान होता है कि आपके साथ क्या हुआ था। लड़की फिर बताती है कि मुझे मारा गया था, मेरा गला दबाया गया था, मेरा गला दबाया गया था, मेरा गला दबाया गया था। फिर उसका आगे और दबाव बनाया जाता है। दलित की बेटी के नाम पर मीडिया में खबरें उछाल दी जाती हैं। SC ST एक्ट के तहत लड़की के परिवार को 4.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। फिर लड़की के परिवार को बताया जाता है कि अगर आपने रेप का मुकदमा और दर्ज करा दिया तो आपको इतने रुपए और दे दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। लड़की अगले दिन फिर बयान किए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है कि बयान करवाइए जी, लड़की तो रेप कह रही है। फिर पुलिस जाती है, फिर बयान लेती है, फिर लड़की बोल देती है, कैमरा मुंह में ठूस ठूस के पूछा जाता है, रेप हुआ था ना। हाँ जी हुआ था। मेडिकल जांच आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। तो आज के बाद लेकिन सारे पत्रकार चीख रहे हैं हाथरस पे कि रेप हुआ है। तो क्या आज के बाद हिंदुस्तान में हर वो लड़की जो बोलेगी मेरे साथ रेप हुआ है, क्या हर उस लड़की के साथ ये पत्रकार इसी तरह खड़े होंगे? मेडिकल रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे? मेरा एक सवाल है कि अगर लड़की की जो जान थी वो रात में चली गई थी, सुबह पोस्टमार्टम हो गया था, 9 बजे बॉडी दे दी गई थी, तो बॉडी आखिरकार रात 10 बजे तक दिल्ली में क्या कर रही थी? एक पोस्टमार्टम की हुई बॉडी जो लगातार सड़ने की हालत में थी, उसे रात 10 बजे तक परिवार वहां पर क्यों रखे हुए था? सिर्फ राजनीति के लिए? और पूछते हैं जो लोग कि रात में आखिर क्यों जला दिया गया, तो भाई क्या करते, उसमें कीड़े पड़ जाने देते? क्या यह हिंदू धर्म है कि लाश में कीड़े पड़ जाने दो राजनीति के लिए? ये सारे सवालों के जवाब आपको पूछने हैं, जानने हैं, समझने हैं। अब मेरा अगला सवाल कि किस तरह प्रशासन अगर इनको इनकी मनमानी ना करने दे। प्रियंका गांधी एक वीडियो डालती हैं जिसमें स्पष्ट सुनाई दे रहा है पीछे से कि लड़की के बाप को बोला जा रहा है, ऐसे बोलो, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मीडिया इस रिपोर्ट को नहीं दिखाएगा। लड़की की मां का जो पहला बयान है मीडिया उसे भी नहीं दिखाएगा। लड़की का जो पहला बयान है मीडिया उसे भी नहीं दिखाएगा। गांव वालों के जो बयान है मीडिया उसे भी नहीं दिखाएगा। अड़ोस पड़ोस के जो गांव बयान है मीडिया उसे भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कड़वा सच है, मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि वो हाथरस के DM ने बहुत गलत बात बोली, धमकी दे दी, कहां से धमकी दे दी? हाथरस के DM साहब ने बोला कि आप बार बार अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं बयान बदल करके, क्या इसमें धमकी हो गई? आप बयान मत बदलिए, ये मीडिया कल चली जाएगी। तो कौन सी गलत बात बोल दी, इसमें क्या धमकी हो गई? उत्तर प्रदेश के ADG प्रशांत कुमार जी ने बोला कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक ADG जो इस केस को देख रहा है, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो आकर के फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात कर सके, लोगों को बता सके, समाज को बता सके, मीडिया को बता सके? मीडिया ही में तो बोल रहे थे कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, इसमें किसी में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब लेकिन मीडिया ने क्या किया कि ADG ने मना कर दिया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जिस मामले पे इतना अरे बवाल हो रहा है, तुम अपना दांत तोड़ करके बोल दो कि मेरी आंख तोड़ दी गई और फिर बवाल कर दो। ADG का काम है मेडिकल रिपोर्ट को आपके सामने बताना, वो ADG ने किया। लेकिन आपने ADG को भी गलत थलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया कि ADG धमकी दे रहे हैं। आप जबरदस्ती घुस रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के एक पिता का उसकी बेटी के जाने के बाद विश्वसनीयता खत्म करवा रहे हैं, उससे जबरदस्ती बयान बदलवा रहे हैं, पैसे का लालच दे दे करके उससे अपनी TRP के लिए सिर्फ और सिर्फ ये गंदगी फैला रहे हैं, आपको कैसे जाने दिया जाए? अगर असली प्रेम था तो तब क्यों नहीं चले गए थे जब वो लड़की मर रही थी? अगर तुम्हारे अंदर असली संवेदना थी, अगर इतने ही संवेदनशील थे ये न्यूज चैनल, तो अलीगढ़ क्यों नहीं गए, सफदरजंग क्यों नहीं गए? जब वो मर गई तो इनकी संवेदना पैदा हो गई, चूंकि इनके लिए TRP का मौका आ गया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।